जय माता दी सभी को। खबर माँ के दरबार से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा जुलाई में। इस समय मेरी घड़ी में वक्त हो रहा है 4:15, जब मैं घर से निकल रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए पकड़ने वंदे भारत, जो 6 बजे यहाँ से निकलेगी और हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचाएगी 2:05 पे। बट इसके लेट होने के भी चांसेस हैं क्योंकि इस समय बारिशों का मौसम चल रहा है, सो अक्सर ये लेट हो सकती है। देखिए, शुरुआत हुई मेरी मसाला टी से। मेरी मदर ने ली एक नॉर्मल टी जिसके साथ हमें एक बिस्किट भी दिया जाता है ओटमील का, विच वर्क्स। अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हैं चाय में तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी चीनी कैरी करें, क्योंकि वंदे भारत में आपको एक्स्ट्रा चीनी देनी बंद कर दी है। दैट इज़ अ ड्रॉबैक। ब्रेकफास्ट आ गया है और ब्रेकफास्ट में मिलता है स्प्रिंग रोल्स, आलू पराठा, अचार, सॉस और एक सैंडविच और एक बनाना। लंच वंदे भारत का काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें सिंपल दाल चावल, एक पनीर की सब्ज़ी थी और एक सूखी सब्ज़ी दही के साथ, रोटी है और आपको आइसक्रीम भी दी जाती है, विच इज़ प्रीटी गुड। फाइनली हम पहुंच गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा और इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहां से आप अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं सीधा, और बहुत ही अमेजिंग मौसम था। यहां से हमने एक ऑटो लिया बस अड्डे के लिए, बस स्टेशन, बस अड्डा बोल सकते हो या फवाड़ा चौक, जहां से हम अपना यात्रा पर्ची या RFID कार्ड ले सकते हैं। ये है नज़ारा फवाड़ा चौक का, यहाँ से आप अर्धकुंवारी के दर्शन आराम से कर सकते हो। अगर आपने ऊपर की रिजर्वेशन नहीं कराई है तो मेक श्योर आप निहारिका भवन में जाके अकोमोडेशन के लिए पूछ लें, वहाँ से अक्सर आपको कार, हेलीकॉप्टर, यात्रा पर्ची भी मिल जाती है। इस बार चुना अपने नया ट्रैक, विच इज़ द न्यू ताराकोट मार्ग, अपने यात्रा के लिए, जो अक्सर लोग स्किप करते हैं और कहते हैं कि द न्यू राउट इज़ लंबा। ये बोला तो जाता है कि 7 किलोमीटर है, बट 8 से 9 किलोमीटर पड़ जाता है। सो अगर आप ऑटो से आ रहे हो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट, क्योंकि एक और रास्ता भी है जो बाणगंगा से होते हुए टी सीरीज लंगर के वहाँ से होते हुए नीचे से आता है, वो और भी लंबा पड़ता है, वो यहीं पर आके ज्वाइन करेगा। बट आई वुड से द बेटर ऑप्शन इज़ कि आप ऑटो ले लें मार्केट से, बस अड्डे से, वो आपसे इजीली लेगा 160 रुपीस और आपको यहाँ पे न्यू ताराकोट राउट पे पहुँचा देगा, वहाँ से आप अपनी यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग का नज़ारा, यहाँ से यात्रा अब स्टार्ट होगी। देर इज़ अ फ्रिस्किंग पॉइंट, और क्योंकि मैंने ऑनलाइन यात्रा पर्ची ऑलरेडी रजिस्टर कर ली थी तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपनी स्लिप दिखाई और अपना RFID कार्ड यहीं से उठा लिया, मुझे बस अड्डे में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, विच वॉज़ अ सेवियर फॉर मी। ये रहा RFID कार्ड, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हो। सो दैट्स हाउ हमारी यात्रा स्टार्ट हुई। ये है रास्ता, ये वाला रास्ता काफ़ी ग्रीनरी है, इस रास्ते पे काफ़ी साफ है, यहाँ पे कोई पोनीज नहीं चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अक्सर आपको बंदर देखने को ज़रूर मिलेंगे, सो मेक श्योर अगर आप कुछ खाने पीने का सामान कैरी कर रहे हैं तो हाथ में लान लेके जाएं, क्योंकि वो अक्सर हमला कर देते हैं। बट यहाँ से जम्मू का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यात्रा थोड़ी सी हाथी मत्थे टाइप की है, ऊँचाई है, सफाई तो है नो डाउट्स, और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ भी दिखते हैं हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये अर्धकुंवारी दिख रही है मुझे यहाँ से रास्ते में। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते गए वैसे वैसे मौसम बदलता गया। ये हमारा फर्स्ट हॉल्ट था जहाँ पे 24/7 लंगर सेवा है बाय श्राइन बोर्ड। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी देखने को मिला, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ग्रीनरी और साफ़ सफाई बहुत है, सो आप देख ही सकते हैं वीडियो में। ये है
लंगर यहाँ पे सामने मिलता है 24/7। आपको चाय मिलेगी 5 बजे के बाद, इससे पहले नहीं मिलेगी। लो आ गए हम माँ के भवन पे, और ये रात्रि का नज़ारा इतना अद्भुत लग रहा है कि शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता है। और ये है हमारी माता रानी, जिनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। और ये है जहाँ हम भवन की लाइनों में पिंडी दर्शन के लिए खड़े होते हैं, ये उन माँ के दर्शन हैं। और ये है हमारी गुफा जिससे हम एंट्री करते हैं। और ये है माँ की पिंडियाँ। माता रानी के दर्शन के बाद मैंने दर्शन किए शिव गुफा के, जहाँ पे भगवान शिव खुद विराजमान हैं। और इनके दर्शन करना अपने आप में ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जो शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा। दुर्गा भवन जहाँ पे हम लोग रुके थे, जिसकी कॉस्ट पड़ी मुझे 150 पर पर्सन, डॉर्मेटरी जहाँ पे एक रूम में 3 bunk beds थे, और उसी सेम बिल्डिंग में नीचे ही खाने की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पे आप सुबह चाय खाने पीने का देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई हैं खाने के लिए, यहाँ से कूपन लेके फिर आप खाना ले सकते हैं। और यहीं पे पीछे बैक साइड से आप ये जो देख रहे हैं नज़ारा, ये है रोप वे जाती हुई भैरव घाटी, और सामने मनोकामना भवन, वैष्णवी भवन और गौरी भवन, जहाँ पे अक्सर लोग रुकते हैं। और ये मैं जा रही हूँ रोप वे की लाइन में। मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने ऑनलाइन सब कुछ बुक कर रखा था। सो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो, आपके 2 से 3 घंटे लाइन में लगने से बच जाते हो। आपको सिर्फ एक प्रिंटआउट लेके आना है और वही दिखाना है, और आपकी आने जाने की रोपवे की टिकट चल जाती है, जो कॉस्ट करती है 100 rupees पर पर्सन आने और जाने की। और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग नज़ारा था भवन का। और अब हम रोपवे में हैं, जो कम से कम लेती है 50 to 60 पीपल एक बारी में नीचे से ऊपर पहुँचाती है। के साथ हमें लगे 2 से 3 मिनट पहुंचने में भैरव घाटी पे, जो अक्सर लोग 2 से 3 घंटे लगा देते हैं भैरव ट्रैक पैदल चलने पे। सो इट वाज फाइनली हम पहुंच गए भैरव बाबा की घाटी पे। ये है भैरव मंदिर और ये है भैरव बाबा। भैरव बाबा की घाटी पे अक्सर मौसम कब चेंज हो जाए पता नहीं, पल में सूरज पल में ओले। तो जब मैं गई थी तब वहाँ पे ओले और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि रोपवे रोक दी गई 1 घंटे के लिए, और हम वहीं पे खड़े हुए थे कि बारिश कब रुकेगी और कब हम रोपवे के लिए दोबारा नीचे वापस भवन पर जा पाएंगे। रोपवे चली और हम थोड़ी छुटपुट बारिश में रोपवे से हम नीचे की तरफ आ रहे थे भवन की तरफ, तो ये आप उसका सुंदर नज़ारा देख पाएंगे और बारिश की बूंदें जैसे स्क्रीन पे दिख रही हैं। ज़रूरी बात जो बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए, अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, हमेशा रेनकोट या कोई हल्का वुलन कपड़ा अपने साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपके पास गर्म कपड़े या बारिश से बचने का सामान नहीं हो, तो आप बीमार होने की संभावना हो सकती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप यात्रा पे आ रहे हैं। सन होने के बाद हम लोगों ने ली थी बैटरी कार, और उससे हम पहुंच गए न्यू ताराकोट मार्ग वापस, और हमने उसी से वापसी अपनी जर्नी की न्यू ताराकोट मार्ग। न्यू ताराकोट मार्ग पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा खाने पीने की शॉप्स इतनी नहीं हैं जैसे पुराने रास्ते पे होती थी, हैं बट नॉट दैट मच। और यहाँ पे आपको पिट्ठू
या ट्रॉली की कोई सेवा नहीं है। सो अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं तो मेक श्योर यू रेडी टू कैरी योर ओन स्टफ विद यू। हम लोगों ने भी अपने बैकपैक्स खुद ही कैरी किए थे, दैट वॉज प्रीटी गुड, बट इट वॉज अ लिटिल टायरिंग क्योंकि वापस आते हुए बहुत ही ज़्यादा ढलान होती है। एंड मेक श्योर आप डंडा ज़रूर लें अपने साथ, लाठी या डंडा, क्योंकि एक सपोर्ट हो जाती है चलने में, चाहे आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो या ढलान पे आ रहे हो, तो एक थोड़ा सहारा सा हो जाता है। हम लोगों ने अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट की थी करीबन 2:50 पे और हम नीचे ताराकोट स्टार्टिंग मार्क पे पहुंच गए थे करीबन 5:30 बजे के करीब, शाम हो गई थी तब हमारी यात्रा समाप्त हुई। वहाँ से हमने ऑटो लिया बस अड्डे रेलवे स्टेशन के लिए, सॉरी, जहाँ पे हम लोगों ने अपना स्टे रखा हुआ था। हम रुके थे हॉलिडे इन जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही नज़दीक है, इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, एंड स्टे बहुत ही अमेजिंग था। चाहे आप रूम की क्लेंडिनेस बोल लो या सर्विसेज बोल लो या खाने पीने की सुविधा बोल लो, ये जो आप देख रहे हैं वो डिनर टाइम की वीडियो है। तो उस टाइम हम इतने टायर्ड थे कि बस थॉट कि थोड़ा बहुत खा लें और कोई दवाई ले लें, बिकॉज इट वॉज टू मच ऑफ अ ट्रैवल इन वन डे। फूड वॉज यमी एज आई सेड, इट वॉज प्रीटी डिसेंट होम कुक टाइप्स। आई ऑल्सो ट्राइड इनकी स्वीट डिश, आई ट्राइड केक एंड स्टफ एंड इट वॉज गुड। दिस इज द रूम दैट वी स्टेड इन, इट वॉज अ किंग साइज बेड दैट वी हैड, प्रीटी नीट एंड टाइडी, द बेसिक थिंग्स वर देयर। ओवरऑल आई लाइक द एंबियंस holiday in hand, और सबसे अमेजिंग बात थी यहाँ का नज़ारा। जैसे ही आप पर्दे हटाते हो, माँ का सुंदर भवन यहीं से दिखाई दे रहा था, दैट इज़ अधक्वारी, आपको यहीं से दर्शन हो जाते हैं। और ये है द किंग साइज बेड, ये रात का नज़ारा है जो विंडो से दिख रहा था। आई एम नॉट श्योर इट इज़ कैप्चरिंग और नॉट, बट देन या यहाँ से ये अधक्वारी है, और वो जो आपको लाइट्स दिख रही हैं वो ट्रैक था जो हम लोगों ने लिया था न्यू ताराकोट मार्ग। आई ट्राइड मैग्नीफाइंग इट बट आई एम नॉट श्योर इट्स डूइंग एनी जस्टिस। एक्चुअली हमारा जो रूम था वो इट वॉज अ किंग साइज बेड विद अ माउंटेन व्यू। होटल स्टाफ काफ़ी अकोमोडेटिंग था, और ये ब्रेकफास्ट है जो सुबह बहुत ही अमेजिंग था, मतलब कुछ ना कुछ आपको अपनी चॉइस का ज़रूर मिल जाएगा, वेदर यू वांट नॉर्थ इंडियन फूड, एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट और अ कॉन्टिनेंटल, यू नेम इट एंड दे हैव इट देयर। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस विद हॉलीडे इन वॉज सुपर्ब इन कंपेरिजन टू माई लास्ट स्टे एट रमाडा। So definitely I will come back to Holiday Inn in case if I plan to visit Vaishno Devi again. So overall agar main bolun meri trip superb rahi, aur jaane ka mann to nahi karta hai maa ke darbar se wapas ghar, but kya kare, alvida kehne ka waqt aa gaya hai aur it's not that easy. Aur ye hai subah ka nazara, सो जब मैंने अपने रूम की विंडो से देखा तो ऐसे दिख रहा था, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे। और यहीं से मैंने लास्ट प्रणाम करे अधक्वारी और फिर हम निकल गए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दोपहर को रेलवे स्टेशन, जो थी 2:55 की।
फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 2:55 की, जो लेट हो गई 15 मिनट से. सो 3:15 बजे ट्रेन निकली है, और वापसी में भी हम कोच क्लास से ही ट्रैवल कर रहे थे. अक्सर वैष्णो देवी से घर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इट्स हार्ड टू से गुड बाय, बट अल्टीमेटली वी हैड टू. सो वंदे भारत आ गई, एंड इट टुक 15 मिनट्स टू क्लीन अप, एंड देन हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी. वापसी में भी हम लोग कोच क्लास से ही ट्रैवल कर रहे थे, एंड एक्सपीरियंस ओवरऑल यात्रा का बहुत ही अमेजिंग रहा. आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपको हेल्प करेगी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय माता दी सभी को.